ओके क्लास नाइन लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी जी एच। अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड बाय द लेटर जी स्मॉल जी। ठीक है, आज क्या पढ़ाने जा रहा हूं, फ्री फॉल। अब फ्री फॉल कहते किसको है, डेफिनेशन देखो क्या बोलते, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग सोलली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेड टू बी फ्री फॉल। ये फ्री फॉल का डेफिनेशन है, एग्जाम में आया तो यही डेफिनेशन लिखना है। अब डेफिनेशन को समझते हैं एग्जाम्पल से। शहजाद मेरी स्केल की तरह फ्री फॉल समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पर पॉइंट ए दिया, इधर मैं देता हूं पॉइंट बी और यहां पर देता हूं पॉइंट सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है कौन से पॉइंट पर है, ग्राउंड से ऊपर है ना ऑब्जेक्ट, हा या ना, तो ऑब्जेक्ट मान लो कितनी हाइट पर है, एच। ग्राउंड से ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है, ओके ठीक है। जब तुम ये ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे, छोड़ दो, तो ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे आएगा, आया ना पक्का। जब तुम इस ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा, नीचे आएगा। क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। सिर्फ कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, सिर्फ एक फोर्स की बात की है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट एक हाइट पर है उसको अगर तुम रिलीज करोगे तो वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। अगर नीचे गिरते हुए ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसको अपन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्री फॉल। क्या कहेंगे, फ्री फॉल। डेफिनेशन, an object falling solely under the influence of gravitational force। object at एक height से नीचे गिर रहा है और उस नीचे गिरते हुए object पर सिर्फ एक ही force काम कर रहा है, कौन सा, gravitational force। कौन सा, gravitational force। फिर उस fall को तुम क्या बोलोगे, free fall। क्या बोलोगे, free fall। क्या बोलोगे, free fall। क्या बोलोगे, free fall। समझ में आया, yes। समझ में आया, yes। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखा लो, ड्यूरिंग फ्री फॉल
टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ड्यूरिंग टोटल दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल. द टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. At every point, क्या बोल रहा हूं बच्चों में, फ्री फॉल में टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट का मतलब क्या, एट एवरी पॉइंट. फ्री फॉल के वक्त टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पर तुम्हें कैसे मिलेगी, यानी कि सेम. फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हर पॉइंट पर कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट. का मतलब क्या होता है, सेम. बात समझ आ गई. yes. अब इसको अपन प्रूव भी कर सकते, इसको अपन प्रूव भी कर सकते. अब ये स्टेटमेंट का प्रूफ मैं बता दू, ऑब्जेक्ट कौन से पॉइंट पर, ग्राउंड से ऊंचाई पर है ऑब्जेक्ट. yes. तो उसकी हाइट क्या है, yes. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को तुम पॉइंट ए से छोड़ोगे तो वो नीचे की तरफ आएगा पॉइंट बी पर. yes. हाँ, yes. यानी फिर ऑब्जेक्ट ए से बी का डिस्टेंस कवर करेगा. yes. तो वो डिस्टेंस अपन सपोज करते हैं एक्स, क्या एस, क्या एस. जब ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे आएगा, जब ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे आएगा तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी, H माइनस एक्स. समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्ट जब पॉइंट ए पर था, ग्राउंड से ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो ग्राउंड से ए का डिस्टेंस हाइट तुमने क्या लिया, फिर ऑब्जेक्ट कौन से, अच्छा फिर ऑब्जेक्ट ए से बी पर आया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर जब वो ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर आया तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट अब ग्राउंड से कितनी होगी, ये कैसा निकालोगे, तो पूरी हाइट को इससे क्या करोगे, माइनस करोगे ना, लॉजिकल बात है ना. अगर मान लो मैं तुमको बोल दूं कि भाई ए से सी जो है, ए सी जो है वो 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर. हाँ, और मैं तुमको बोल दूं ए बी जो है वो 4 मीटर है, कितना है 4 मीटर, तो बी सी तुमको कितना मिलेगा, कैसा आया, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6. लॉजिकल बात है. yes. आया ना. हाँ, ठीक. प्रूफ क्या करने वाले, ये स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहे हैं. स्टेटमेंट क्या बोलता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फ्री फॉल पर, फ्री फॉल के दौरान ऑब्जेक्ट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहती है, कैसी रहती है. मैं फिर से बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट को हम छोड़ने वाले हैं तो वो पॉइंट बी पर आएगा और फिर पॉइंट सी पर आकर रुक जाएगा. बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, यस और नो. तो पॉइंट ए पर जो टोटल एनर्जी होगी मैकेनिकल, पॉइंट बी की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, पॉइंट सी की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, कॉन्स्टेंट. क्यों कॉन्स्टेंट होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जब गिर रहा है तो इस पर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ऐसे गिरने को अपन क्या बोलते हैं, फ्री फॉल. क्या बोलते हैं, फ्री फॉल. क्या बोलते हैं, फ्री फॉल. और फ्री फॉल में
ऑब्जेक्ट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पर कैसी होगी? कांस्टेंट। हर पॉइंट पर कैसी होगी? कांस्टेंट। यही चीज प्रूफ करना है। yes. अब यहां पे लिखता हूं, सपोज ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इनिशियली एट रेस्ट एट पॉइंट ए। हाँ, ऑब्जेक्ट का मास क्या लिया है? इनिशियली वो पॉइंट ए पर है, रेस्ट पर है, हाँ या ना? यस और नो? और उसका डिस्टेंस ग्राउंड से कितना है? एट अ हाइट ऑफ एच फ्रॉम द ग्राउंड, एट अ हाइट ऑफ एच फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर? यस। ऑब्जेक्ट कौन से पॉइंट पर है? ए। उसका पोजीशन रेस्ट है या मोशन में? रेस्ट। ठीक है। अच्छा, वो ग्राउंड से ऊंचाई पर है? यस। कितनी ऊंचाई पर है? रेस्ट। अब तुम क्या निकालोगे? सबसे पहला पॉइंट ए की टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मेरे को फटाफट बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी, हाँ या ना? पक्का? अच्छा, इनिशियली ऑब्जेक्ट कौन से पॉइंट पर है? तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? तो यहां पर लिखता हूं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू हाउ मच? क्यों? क्योंकि इनिशियल वो कौन से पोजीशन पर था? Rest. और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। अब तुमको फाइंड करना है पॉइंट ए का टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए तुम्हें सबसे पहला क्या फाइंड करना होगा? मैं क्या फाइंड करना होगा? चलो सबसे पहला फाइंड करते हैं, यहां पे लिखता हूं केस वन एट पॉइंट ए। पहला पॉइंट ए का देख रहे ना अपन? ठीक है, पहला निकालता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी, पॉइंट ए की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूं। फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इनटू मास एम ई है ना। वेलोसिटी क्या है पॉइंट ए की? जीरो। जो भी नंबर अल्फाबेट को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा? जीरो। तो पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जीरो। ठीक है, अब पॉइंट ए की क्या निकालूंगा मैं? क्या निकालूंगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एमजी मास, मास ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी लिया है, हाइट को अपन ने क्या लिया? तो पॉइंट ए की अपने को पोटेंशियल एनर्जी क्या मिला? एमजी। अब अपने को पॉइंट ए का क्या निकालना है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ या एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी। कैसा मिलता है भाई? कैसा मिलता है? तो पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला था तुमको? काइनेटिक एनर्जी क्या मिला है तुमको? एमजीएच को जीरो से प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी तुमको कितनी मिली? पक्की बात? Yes. अब दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर टू एट पॉइंट बी, हाँ या ना?
अब अपन निकालेंगे पॉइंट बी का क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए बराबर हाँ या ना। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, यानी अपने को सबसे पहला हाफ एम वी स्क्वायर ना, एम स्टैंड फॉर मास, मास मालूम है ऑब्जेक्ट का क्या है। अब अपने को पता करना है कि पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी ये मेरे को पहला फाइंड करना है। यहां पर लिखता हूं सपोज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी इज वी, मान लेते हैं पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी ले ली अपन ने वी, एंड ऑब्जेक्ट ट्रैवल ए से बी पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया yes. पक्का yes. ऑब्जेक्ट ट्रैवल द डिस्टेंस एक्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से बी पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भाई yes. किया है ना yes. दिख रहा है ना yes. अच्छा अब अपने को निकालना था काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए मेरे को चाहिए था वेलोसिटी का वैल्यू यस और नो yes. अच्छा ये बी स्क्वायर है हा या ना, बी स्क्वायर है क्या, बी स्क्वायर से रिलेटेड कोई इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, ध्यान से देखना वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या थी जीरो का स्क्वायर प्लस टू। अब यहां पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हो रहा है yes. तो ए की जगह पर क्या आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू एस यानी कि डिस्टेंस, तो पॉइंट ए से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो से इसको प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा टू जी एक्स, बी स्क्वायर की वैल्यू मिली कि नहीं मिली हा या ना। अब तुमको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी, अब यहां पर लिखता हूं मैं therefore kinetic energy is equal to half mv square is equal to half mass तो m ही है, v square की वैल्यू मेरे को क्या मिली 2g yes. 2g yes. ठीक है ये 2 और ये 2 कट गया yes. mgx को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा mgx yes. ये मिल गई तुमको काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b। अब मैं निकालूंगा कौन सी एनर्जी, चलो पोटेंशियल एनर्जी भी निकालते हैं। बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच, ऑब्जेक्ट का मास तो एम ही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या ले रहे इंटू एच यानी ऑब्जेक्ट की हाइट, तो पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट की हाइट ग्राउंड से कितनी थी, किसी थी एस माइनस एस बराबर हा या ना, हा या ना, पक्का yes. पक्का ना yes. मान रहे हो ना इस बात को yes. ठीक है। अब क्या करता हूं, ये एम जी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एम जी हो जाएगा, एम इंटू जी कितना होगा जी, फिर ब्रैकेट में है एच माइनस, अब ब्रैकेट मतलब कौन सी साइन, तो एम जी को एच से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एम जी एच,
फिर कौन सी साइन? माइनस। फिर एमजी को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एमजी एक्स। ये हो गई तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर तुमको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, पॉइंट बी पर तुमको पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गई। अब फाइनली तुम निकालोगे पॉइंट बी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो अब यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसा मिलता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी तुमको क्या मिला? MgH माइनस Mg। फिर डाला ये प्लस की साइन। पॉइंट जी पर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी क्या मिला? Mgs इज इक्वल टू, ये माइनस में है और ये प्लस, माइनस प्लस कट गया, क्या बचा? यानी पॉइंट बी पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी तुमको क्या मिली? पॉइंट ए पर भी तुमको टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या मिली थी? पक्की बात। अब सिर्फ बचा कौन सा पॉइंट? चलो अभी केस नंबर थर्ड। एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। अब अपन पॉइंट सी का क्या निकालने जा रहे हैं? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना? Yes. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ का, तो हाफ ही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। मास है ME। अब मेरे को पॉइंट सी पर चाहिए वी स्क्वायर की वैल्यू, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ या ना? तो चलो पॉइंट सी पर वी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां पर लिखता हूं, सपोज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट सी इज वी वन। कितना? पॉइंट सी पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैंने क्या सपोज किया है? ठीक है, अब यहां पर फिर लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फॉर्मूला क्या बोलता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। ठीक है, अब यहां पर वेलोसिटी को मैंने क्या लिया है? वी वन स्क्वायर, समझ में आ रही है बात? इज इक्वल टू यू, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो प्लस टू। अब ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या लिखूंगा एक ही जगह? एस यानी के डिस्टेंस, हा या ना? तो पॉइंट, अब जो बॉल कहां पर आ गया? सी। तो पॉइंट ए से सी तक आ गया ना वो, तो उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? देयरफॉर वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको टू जी एच को जीरो से प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? मिल गई मेरे को वी स्क्वायर की वैल्यू, हा या ना? चलो ठीक है, अब फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। अब ध्यान दो बच्चों इधर, हाफ इन टू एम इन टू वी, यानी कि पॉइंट सी की वेलोसिटी। पॉइंट सी की वेलोसिटी को तुमने क्या लिया था? तो खाली वी वन स्क्वायर लिख दिया। अब आगे ध्यान से देखो, हाफ इन टू मास एम का एम ही रहेगा, वी वन स्क्वायर की वैल्यू तुमको क्या मिली? ये टू और टू कट गया, एम इन टू जी एच हो गया एम जी। तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट सी की तुमको क्या मिली? अब मैं फाइंड करता हूं पोटेंशियल एनर्जी। क्या फाइंड करता हूं? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी। तो एम मास तो मास ही रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लेंगे? अब बॉल ग्राउंड पर आ गया है, पॉइंट सी ग्राउंड है ना? हाँ या ना? जब बॉल ग्राउंड पर आता है, जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर आता है,
उसकी हाइट क्या होगी? क्या होगी? जीरो। क्या होगी? जीरो। क्या होगी? जीरो। यहाँ पर हाइट को अपन क्या लेंगे? जीरो। पक्का? जो भी नंबर अल्फाबेट को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल गई? जीरो। अब चलो फाइंड करते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी उनसे पॉइंट की निकाल रहे हैं एट पॉइंट सी। फॉर्मूला क्या है मैकेनिकल एनर्जी के टोटल का? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली मेरे को? जीरो। प्लस काइनेटिक एनर्जी मेरे को क्या मिली? MGH. अब MGH को जीरो से प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? यानी कि पॉइंट सी पर तुम्हें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी मिली? पॉइंट बी पर तुम्हें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी मिली? पॉइंट ए पर तुमको टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी मिली? MGH. ये क्या बोलता था कि फ्री फॉल के दौरान ऑब्जेक्ट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहेगी? प्रूफ हो गया? Yes. हाँ या ना? हाँ, हाँ या ना? हाँ। फ्री फॉल किसको बोलते हैं? जब ऑब्जेक्ट एक हाइट से नीचे गिर रहा हो और उस पर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा हो, वो भी कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके गिरने को अपन क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। मान लो मैंने कैफ को बिल्डिंग के ऊपर लेके गया और उसको मैंने बिल्डिंग की टेरेस से धक्का दे दिया, ठीक है, बिल्डिंग की टेरेस से मैंने उसको धक्का दे दिया, वो नीचे ही गिरेगा, उसको पर तो लगेगी ना कि कौवे की तरह उड़ेगा, उड़ेगा क्या वो? हमें लगता है तेरे को ये उड़ेगा? नहीं ना, गिरेगा तो नीचे ही। अब जब वो गिर रहा है तो उस पर एक ही फोर्स काम कर रहा था, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके गिरने को तुम क्या बोलोगे भाई? फ्री फॉल। और जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल के दौरान ऑब्जेक्ट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पर कैसी रहती है? सेम बोलो, सेम बोलो या कॉन्स्टेंट बोलो, जो भी, कैसी रहती है? सेम। ये अफवाह नहीं है, ये बात को मैंने प्रूफ करके बताया कि हाँ भाई फ्री फॉल के दौरान ऑब्जेक्ट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसा रहेगा? सेम। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी का टोटल कैसे बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। 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 बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आया ना? ऑब्जेक्ट जब पॉइंट ए पर था, रेस्ट पर था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। फिर ऑब्जेक्ट जब पॉइंट बी पर आया तो उसकी वेलोसिटी फाइंड कर ली थी, तो उसकी वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए तुमने न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल किया। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट जब पॉइंट सी पर आया तब भी तुमको उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तब भी तुमने न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल किया। yes. इसके अलावा न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करने क्यों इस्तेमाल किया? सिर्फ वही क्यों? वही क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर आया ना, वी स्क्वायर वाला इक्वेशन कौन सा है? थर्ड इक्वेशन है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी मेरे को पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर। वी स्क्वायर की मेरे को क्या चाहिए थी? वैल्यू। इसलिए मैंने न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल किया और मेरे को दोनों केस में वी स्क्वायर की वैल्यू मिली। yes. हाँ या ना? हाँ। जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी पर आए तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? yes. और ऑब्जेक्ट की हाइट पॉइंट बी पर ग्राउंड से कितनी थी? जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से सी पर आया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? कितना डिस्टेंस? कितना डिस्टेंस? कितना डिस्टेंस? कितना डिस्टेंस? पक्की बात? फ्री फॉल समझ में आया? फ्री फॉल समझ में आया? फ्री फॉल समझ में आया? किसी को कुछ डाउट? फ्री फॉल क्या होता है, क्लियर है? फ्री फॉल हाइट से ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा जमीन पर, गिरते वक्त उस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई होना चाहिए, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। गिरने को क्या बोलूंगा मैं? फ्री फॉल। क्या बोलूंगा मैं? फ्री फॉल। अब ये हाइट पर लेके गया, मैंने इसको छोड़ा, नीचे गिरा, इस पर सिर्फ कौन सा फोर्स काम कर रहा है? क्लस्टर के गिरने को मैं क्या बोलूंगा भाई? फ्री फॉल। क्या बोलूंगा? फ्री फॉल। क्या बोलूंगा? फ्री फॉल। कैफ को उठा नहीं सकता था ना, बहुत वजनदार है, मैं उसको उठा के भी फेंक के बताता था फ्री फॉल। फ्री फॉल के दौरान ऑब्जेक्ट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस हर पॉइंट पर कैसा होगा? पक्की बात समझ में आ गई? कॉपी करो।